नमस्कार। इस समय भी न्यूज इंडिया पे खास तस्वीरें इस वक्त जातिगत जनगणना को लेकर काफी जो है देश में इस बात को लेकर काफी जो है चर्चा में है। और आज जिस तरह से सपा बसपा और इस तरह से एनडीए पार्टी का भी तमाम ऐसे बातें आ रहा है कि जातिगत जो जनगणना की जो बातें जो चल रहा है इस समय हमारे इस खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये चर्चा का विषय हो गया है। हमारे साथ जो है बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। और वहीं एक जो है राजभर समाज को लेकर काफी इतिहास जो है अपने उन पन्नों को लेकर दोहराते रहे राणा विजय राजभर जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्योंकि तमाम राजभर को लेकर आरक्षण को लेकर तमाम ये बातें करते रहे, लेकिन आज जातिगत जनगणना पर क्या इनका राय है, क्या इनकी बातें हैं, उस पर भी खास सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आइए सीधे बात करते हैं। स्वागत है। धन्यवाद विमले जी, और आपके चैनल भी न्यूज इंडिया को भी अभी तक तो हम लोग काफी जो है ऐसे आपके बयान भी देखे कि राजभर समाज के इतिहास को लेकर आप लोगों ने तमाम ऐसे बात किए कि ओबीसी के जो है इस आरक्षण में राजभर का क्या है, तमाम बातें रही। लेकिन इस समय जातिगत जो जनगणना की बातें चल रही है, इस बात को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि भारत 15 अगस्त 1947 को जो आजादी घोषित हुई है, ये जो है भारतवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और तत्कालीन नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उनको स्थापित करने वाले महात्मा गांधी जी, इन लोगों ने भारत के साथ इतना बड़ा धोखा और विश्वासघात किया कि भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पर किया, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर किया। और आज उनकी पार्टी कांग्रेस, चाहे उनके जो है सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे जो भी अनुसंगिक जो भी है, ममता बनर्जी से लेकर के और अखिलेश जी से लेकर के जितने लोग हैं भारत में, यह कुचक्र रच रहे हैं, केवल मुसलमानों को खुश करने का कुचक्र रच रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जब भारत का बंटवारा पाकिस्तान से हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुआ, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया गया, फिर जो है कई देश बने, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तमाम जो है आज उत्पद्रव मचा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भारत का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, तो जाति के नाम पर गणना क्यों हो रही है, धर्म के नाम पर क्यों नहीं गणना हो रही है कि हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? जिस दिन मुस्लिम 30% हो जाएंगे और ये गणना में ये लोग बता देंगे, उस दिन भारत को तलवार की धार पर फिर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए लोग जिहाद छेड़ेंगे, इस्लामिक जिहाद छेड़ देंगे। अभी उनका युद्ध चल रहा है, आंतरिक चल रहा है, आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए बंगाल में क्या हो रहा है, जहां ममता बनर्जी का शासन है। और जनगणना तो बिहार में भी हुई थी, कहीं भर राजभर जो जाति का पता है, कहीं नाम है जनगणना में? उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। अच्छा। तो मेरा ये डिमांड है, पहला डिमांड है कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, हिंदू मुस्लिम के, तो अब जनगणना जाति के नाम पर होनी चाहिए, धर्म के नाम पर होना चाहिए। अच्छा। जात के नाम पर नहीं। अगर जात के नाम पर जनगणना होगी तो हम छत्री जाति से बिलोंग करते हैं, जिसे भारसू छत्री कहा जाता है, और छत्रियों की जितनी भी जातियां हैं, चाहे जितना भी चंदेल, गारवार, बिसेन, परिहार, परमाल, भदौरिया, बुंदेला, जो भी है, गुजर, जाट, जो भी छत्री है, यदुवंशी छत्री, जो भी है, सबको एक जात में जनगणना किया जाए, केवल छत्री में किया जाए। और 60% हम है, भारत को दान में दिया है, 565 रियासतें दान में हमने दिया है, और वो दान वापस नहीं, सम्मान वापस हम चाहते हैं। ये नौटंकी मचा के और ड्रामाबाजी जो हो रही है भारत के अंदर, और लोकतंत्र हमने दिया शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लेकिन वो बंदरबांट कर रहे हैं। अच्छा, कौन है, कौन लोग बंदरबांट कर रहे हैं जिसे आप अभी? यही कांग्रेसी जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं, यही समाजवादी वाले, यही बहुजन समाज पार्टी वाले, यही तृणमूल कांग्रेस वाले, और तमाम इनके इंडिया गठबंधन वाले जो नौटंकी नाच कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी बनाए हैं, बहुजन समाज पार्टी कांशीराम के मिशन को लेकर चलते हैं। तो उस कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी के मिशन में राजभर समाज जो एक छत्री समाज है, भारसू छत्री समाज है, जिसे सूर्यवंश, नागवंश, भरतवंश, 96 छत्री कुलों में स्थान प्राप्त है, उस वंश को इन लोगों ने विलोपित करके दमन कर दिया, और छत्रियों का भी दमन कर दिया। आज हमारा कहीं छत्रियों का भारत में सम्मान नहीं है, और हमें पिछड़ी जात में शामिल करके और ये लोग हमारा हिस्सा लूट रहे हैं। आज आजादी के बाद 1993 से जो भी हिस्सा है लूट रहे हैं, 1% एक कलेक्टर हमारा नहीं है, एक SP हमारा नहीं है, और मजाक है गवर्नर किस बात की? कौन है, कौन दोषी, कौन है दोषी? सबसे पहले दोषी तो सरकार को मानता हो, और दूसरे सरकार का तलवा चाटने वाले जो नेता है हमारे समाज के, विधायक और मंत्री और सांसद, राज्यसभा जो भी है, ये दोषी है। वो समाज के लिए वो तो हमेशा कहते हैं कि मैं 22 साल से चिल्ला रहा हूँ इस जातिगत जनगणना। कौन चिल्ला रहा है? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां किए, और बिहार के अंदर गए और नीतीश कुमार से इनकी बात हुई, उठाए, जनगणना हुई। मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ कि कहीं भर राजभर का नाम है उस जनगणना में? भर राजभर वहां पर कम से कम जो है बिहार के अंदर 18% आबादी है, केवल भर राजभर। अगर उसमें अन्य जातियों को, राजभरों के उपजातियों को जोड़ दिया जाए, तो हमारी संख्या कम से कम 60% हो जाएगी बिहार के अंदर, और भारत में भी यही हाल है। लेकिन 60% को दमन करके, और ये जो 10%, 11%, 12%, 14% जातियां हैं,
ये लोग शासन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसका है? उत्तर प्रदेश राजभरों का है। तो राजभरों का जब उत्तर प्रदेश है तो राजभरों का एक मुख्यमंत्री आजादी के बाद क्यों नहीं बना? राजभर का एक मुख्यमंत्री आजादी के बाद क्यों नहीं बना? मुलायम सिंह यादव जी बन गए, अखिलेश यादव जी बन गए, मायावती जी बन गई और तमाम वैश्य समाज के लोग बन गए। ये राजभर समाज क्यों नहीं बना, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं बना? किस बात की जनगणना और किस बात का ये मांग कर रहे हैं? ये सब मुसलमानों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों को एजेंडा बनाए हैं और बारी बारी भारत को गुलाम बनाने का ये पूरा कुचक्र रच रहे हैं और ये पूरा प्रोत्साहन है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को। और कुछ नहीं है। ये बताइए क्या लग रहा है कि यहाँ पे राजभर समाज ओबीसी का अगर कैटेगरी की बात करें तो ये जातिगत जनगणना में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है क्या? ये जाति जनगणना पूरे क्षत्रियों का 96 क्षत्रिय कुल है सबका करा दे एक साथ, 96 क्षत्रिय कुलों की जनगणना हो जाएगी तो हम समझ लेंगे कि बहुत न्यायप्रिय है ये लोग। और जब 36 जनगणना हो जाएगी 96 क्षत्रिय कुलों की तो ये लोग घंटी हिलाएंगे मंदिरों में जाकर के। आज हम घंटी हिला रहे हैं ना, कल ये घंटी हिलाएंगे, इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। आप पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से पूछ लीजिए और बहुजन समाज पार्टी से, तमाम दलों से पूछ लीजिए कि क्या वो छत्री के नाम पर जनगणना तैयार है, 96 छत्री कुलों को एक साथ जोड़ करके ले चलने की तैयार है? तो ठीक है, जनगणना कराएं। तो क्या लग रहा है अभी आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ये लोग सत्ता के भूखे हैं। अच्छा। ये सत्ता के भूखे हैं, केवल सत्ता पाने के लिए। कल तक कह रहे थे कि मोदी जी भारत में आरक्षण खत्म कर देंगे और बोल रहे थे, कोई खटाखट कर रहा था, कोई फटाफट कर रहा था। और अब ये विधानसभा लोकसभा में गए हैं, ये अपने क्षेत्र में इनकी हालत क्या है, इनके विधायकों की सांसदों की आज देख लीजिए। आज इनके विधायक और सांसद हत्या और बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे जो भी दल हो। उदाहरण के लिए अयोध्या देख लीजिए, इसके अलावा देख लीजिए जहां जहां इनका जो है विधायक सांसद जीते हुए हैं वहां देख लीजिए बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खुद बिगाड़ रहे हैं और मोदी को दोषी कहते हैं, योगी बाबा को दोषी कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? आप बंगाल के अंदर चले जाइए, अभी अखिलेश जी गए थे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का साथ देने, बंगाल में बेटी क्या सुरक्षित है? किस आधार पर? नैतिकता नहीं है इनके अंदर, नैतिकता को घोल कर पी गए समाजवाद के नाम पर, समाजवादी नैतिकता को घोल के पी गए अखिलेश यादव जी और जाकर के अब समर्थन दे रहे हैं बंगाल में। किस आधार पर दे रहे हैं? कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ममता बनर्जी जी जिनको क्षत्रियों का दमन कर रही है, हिंदुओं का सनातनियों का दमन कर रही है और वहां पर जाकर के समर्थन दे रहे हैं, किस खुशी में दे रहे हैं? मैं तो ऐसे लोगों को, मैं मतलब इनके नीतियों को मैं बिल्कुल निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये लोग सत्ता के लाश पर चढ़ करके राजनीति करना चाहते हैं गरीबों के। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के बड़ी समय से जुड़े रहे और वरिष्ठ जो नेता हैं, क्योंकि इनके जो है बीजेपी के साथ ताल्लुक काफी पुराना है। हम बात करेंगे कि आखिरकार जातिगत जो जनगणना की जो बातें चल रही है फिलहाल इनका क्या मत है और इस बात को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे। धन्यवाद मिथिलेश जी, मैं सभी को। जनगणना जो हमारा है ना, जनगणना तो होना चाहिए भाई। अच्छा, होना चाहिए, होना चाहिए, इसलिए कि जनगणना बहुत ज़्यादा दिन हो गया। जनगणना होने से जात पात का पता लग जाता है, हम कितने हैं कितने नहीं हैं। ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये जनगणना चाहते नहीं है ना, ये अपना इंडिया गठबंधन के नाम पर मोदी जी को परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार कुछ सीट इन सबों के निकल गई है लोकसभा में, नहीं तो ये तब बोलते नहीं लोकसभा में। ये कुछ सीटें निकल गई है अपने लोगों की गलती से। गठबंधन में जितने लोग हैं जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो जनगणना तो आज से नहीं, आज के ढेर दिन से लोग मांग रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज खुलासा हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि जो इस गणना को लेकर जो बात आ रही है कि अभी जो एनडीए में जो ये सरकार है तो ओम प्रकाश राजभर का भी कहना है कि जातिगत जो जनगणना अगर कोई सरकार करा पाएगी तो वो है एनडीए सरकार, लेकिन इसके बाद दूसरा कोई सरकार नहीं करा पाएगा और बाकी जो सपा और बसपा ये सरकारें रही है वो सरकार अपने कार्यकाल में मौन रही है। ये सपा बसपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप जी। तो कांग्रेस तो ये समझिए कि ये तो आज तक जो भी इसका काम फंसा, जो भी काम इसका है ये भाजपा की शासन काल में कर रहा है। अच्छा। अपने शासन, इन सबों का शासन खास 70 साल, इन 60 साल ये अपने शासन में जनगणना वगैरह सब नहीं कर रहा है सर। ये मोदी की सरकार में सारा काम चाहते हैं कि हम लोग का हो जाए। अच्छा। मोदी की सरकार में इसके पहले क्यों नहीं करा है सर? इसके पहले जनगणना का नाम नहीं ले रहे थे। अब राहुल गांधी से पूछ दिया जा रहा है कि आप किस जात के हैं, अपना तो जात बताइए ना, तो उस पर बोल नहीं रहे, जनगणना पर जोड़ दे रहे हैं। तो जनगणना तो मोदी जी के नेतृत्व में होना ही होना है, हमारे नेता बोल ही रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो बाकी विपक्ष पार्टियां जो बोल रही है वो एक राजनीतिक सियासत को लेकर अपना जो है दाव पिच लगा रही है? ये जो राजनीतिक पार्टियां बोल रही है इंडिया गठबंधन के, ये मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए बोल रही है। अच्छा, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए बोल रही है कि जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना तो होना है,
वो मोदी जी ही कराएंगे, लेकिन इन सबों की हल्ला करने से चिल्लाने से नहीं ना कराएंगे, उसका भी समय सीमा है कब कराएंगे। विरोधी के कहने पर हम सब काम नहीं ना करेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना बात तो दंगा फसाद महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार सब कर रहे हैं, अब उन्हीं इंडिया गठबंधन उन्हीं लोगों का सपोर्ट कर रही है। एक भी बलात्कारी का ये नाम ले रहे हैं कि नहीं, गलत कहें अपने बयान में कहें कभी। इंडिया गठबंधन के चाहे राहुल गांधी हो चाहे ये अखिलेश जी हो, कोई भी वो नेता इन सबों का इंडिया गठबंधन का कोई भी आज तक विरोध किया है कि नहीं ये ममता बनर्जी गलत काम किए अपने शासन में? ये तो एक टारगेट बनाया है अच्छा मोदी जी को, क्योंकि कुछ सीटें लोकसभा में निकल गई है झूठ बोलकर कि हम लोग संविधान खा रहे हैं, संविधान को लूटने जा रहे हैं, संविधान खत्म करने जा रहे हैं। मोदी जी तो ये कभी नहीं कहें कि हम संविधान खत्म करेंगे, ये तो अपने से बनाकर कहने लगे, कुछ हमारे नेता गलती से बोल दिए भाई उसी को ये सब बना लिए कि संविधान भाजपा खत्म करेगी, संविधान भाजपा करेगी। भाजपा के नेता तो मोदी जी कभी नहीं बोले कि नहीं हम संविधान खत्म, मोदी जी तो संविधान को अपने माथे पर लगाते, देश जानता है कि मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। चलिए, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो जातिगत जनगणना जरूरत है। हाँ जरूरत है, जातीय जनगणना हो जाएगी तभी तो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण तो अब अखिलेश को आरक्षण नहीं ना चाहिए, लालू यादव के परिवार को आरक्षण नहीं ना चाहिए, ये लोग पूंजीपति हो गए हैं, उसमें भी श्रेणी बनी है ना, आरक्षण किसको चाहिए? आरक्षण जो गरीब है उसका सर्वे कर दिया जाए ना, जिसका जगह जमीन नहीं है, वास्तव में जमीन से ही ना आरक्षण दिया जाएगा। जिसके पास 100 बीघा खेत है, 50 बीघा खेत है, उसको आरक्षण चाहिए? बैकवर्ड में जो लोग धन पशु हो चुके हैं उनको छाट दीजिए, और जो उसके नीचे हैं अति पिछड़े में हैं जिसके पास कुछ नहीं है उसको आरक्षण सरकार दे। हमारी तो सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से मांग है, मोदी जी से मांग है कि आरक्षण गरीबों को दीजिए, आरक्षण चाहिए, जनगणना होना चाहिए। चलिए, इस समय काफी जो हलचल बढ़ चुकी है और इस समय काफी बातें भी आ रहे हैं, बयान भी आ रहा है, पक्ष विपक्ष का होना भी जरूरी है, और दोनों पक्षों और विपक्षों का भी बात ये आ रही है कि यूपी में खासतौर से जो है जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि ये चुनावी जो है एक पेच है, लेकिन कहाँ तक ये बातें सामने आ रही है? फिलहाल भी न्यूज इंडिया पे खास ये तस्वीरें हम आपके बीच साझा किए जो आपने सुना देखा, खास इस पर हमने कुछ बात जाहिर किया। इस वक्त के लिए इतना ही।